अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसी हैं आप? ठीक हैं? इनका भी पार्टी मेकअप है, तो अब इंशाल्लाह हम आपको मुख्तलिफ फेस के ऊपर काम करके दिखाते जाएंगे। ये भी लाइट ब्राउन कलर में है, हम इनके आईब्रो को बना रहे हैं। और सबसे पहले हमने कंसीलर लगाना है इनकी आंखों के ऊपर। ये हमने प्रो का कंसीलर यूज़ किए हैं। लाइट टोन में बहुत बहुत सारी चीज़ें हम फ़ौरन आगे नहीं कर पाते, क्योंकि कस्टमर को जल्दी होती है और हमें होता है कि हम वीडियो भी बना लें ताकि आप लोगों को दिखाना होता है। आप लोगों को जो दूसरे शहर के लोग हैं उनको फिर काम सीखने में आसानी हो जाती है, दूसरे मुल्कों में जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी आसानी हो जाती है। अब फ्रंट के ऊपर हमने जो है 38 नंबर स्टिक, सॉरी 38 मैं कह रही हूँ, 45 नंबर हमने फ्रंट की आइस पे लगाई है करेलोन की। करेलोन की प्रोडक्ट्स अच्छी हैं और इसलिए हम ज़्यादा उसको फोकस करते हैं, क्योंकि काम अच्छा होना चाहिए क्लाइंट्स का। फ्रंट पे हमें थोड़ा सा इनकी आंखों के ऊपर डार्कनेस ज़्यादा लग रही थी, इसलिए फिर हमने जो है स्टिक को प्रेफर किया है। अब हम ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं। अब हम 38 से कंसीलिंग कर रहे हैं इनके पूरे फेस के ऊपर। ये भी क्रेलोन की 38 नंबर है, FS 38। जहाँ इनके डार्क सर्कल्स हैं या डार्क स्किन के पैचेस लग रहे हैं, हम पूरी फेस के ऊपर इसी के साथ कंडोरिंग कर रहे हैं। और ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम अच्छी तरह स्किन को ब्लेंड कर रहे हैं। ये देखें अब उनकी स्किन कितनी अच्छी लगने लगी है ब्लेंडिंग के बाद। और जिन लड़कियों ने क्लासेस लेनी है, आजकल हमारे पास सीज़न है, रश है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा होगा। जो लड़कियां इंटरेस्टेड हैं वो फ़ौरन हमसे रब्ता करें, और जो लड़कियां फौरी पेमेंट नहीं कर सकती वो 2 या 3 किस्तों में भी कर सकती हैं या मंथली बेसिस पर भी सीख सकती हैं। जो इंटरेस्टेड हैं वो हमसे रब्ता करें। ये ST की फाउंडेशन मीडियम फेयर हम यूज़ कर रहे हैं इनकी फेस के ऊपर। ब्रश की मदद से हम लगा रहे हैं ताकि अच्छी तरह से लगाने के बाद हम ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। और बहुत शुक्रिया इनके फेस का, जो लोग हमसे कॉपरेट कर रहे हैं। हमें हर तरह के फेस के ऊपर क्लाइंट्स को काम दिखाना आसान हो जाता है। हर एक की स्किन के ऊपर हम किस तरीके से काम करते हैं, और इन सब के फेसेस के ऊपर, क्योंकि अभी गर्मी थी तो हमने पहले बर्फ़ से इनको स्टीम दी है
ठीक है, बर्फ़ से हमने अच्छी तरह से इनको स्टीम देने के बाद स्पॉन्ज के साथ अच्छी तरह आधा घंटा हमने दी है, उसके बाद इनका मेकअप किया है ताकि मेकअप इन लोगों का फिक्स है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी मेकअप को प्रॉब्लम्स आती है, तो जिसकी वजह से हम बर्फ़ से अच्छी तरह से पहले स्टीम देते हैं या अच्छी तरह से, उसके बाद फिर हम मेकअप स्टार्ट करते हैं ताकि मेकअप अच्छी तरह एडजस्ट रहे। अब हमने कम्पैक्ट यूज़ किया है, वो भी हम एसटी का ही यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कम्पैक्ट, और कम्पैक्ट हम बेशुमार यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि मेकअप के मामले में मैं थोड़ी सी कॉन्शियस होती हूँ कि अच्छे से अच्छी ब्रांड यूज़ होनी चाहिए ताकि मेकअप फिक्स अच्छे तरीके से हो और किसी का मेकअप ख़राब ना हो। अब ये हम कंडोरिंग कर रहे हैं चीक्स पे, चिन पे। आप देखिए फोरहेड, चिन, चीक्स पे हम हर जगह पे कंडोरिंग कर रहे हैं। अब हमने ब्लश टोन लगाया है लाइट पिंकिश टोन में। आप प्लीज़ हमारे पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अब हम ट्रांसलेशन शेड लगा रहे हैं आइस के ऊपर। हम पीच कलर को भी ब्लश में मिक्स करके लगा रहे हैं। ट्रांसिशन शेड के साथ सबसे पहले हम आईज को कर रहे हैं, और ब्लेंडिंग इज़ द मस्ट। जितना ब्लेंडिंग को आप फोकस करेंगे उतना ही मेकअप अच्छा होगा। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा, अब इनका गोल्डन और ब्लू कलर का ड्रेस है, तो यहाँ पर हमने लाइट ब्लू शेड जो है आंखों के ऊपर दिया है, क्रीज लाइन के ऊपर, और साइड पे भी थोड़ा सा दिया और उसको ब्लेंड किया है। क्रीज लाइन पे भी लाइट ब्लू और साइड पे कॉर्नर्स पे भी ब्लू। अब यहाँ पर हमने कॉपर शेड इनको लगाया, क्योंकि इनका गोल्डन और येलो कलर का ड्रेस था, तो फ्रंट जो शिमर है हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं। अब उसके ऊपर हम हल्का सा जो है ना ऑफ वाइट भी लगा रहे हैं कॉपर के ऊपर।
अब थोड़ा सा जो हम आंखों के ऊपर जो क्रीज लाइन है उनको दोबारा से ब्लेंड किया है हम लोगों ने। ये आई ग्लू यूज़ हम कर रहे हैं, किसी भी आप अच्छी कंपनी की ले सकती हैं। उसके ऊपर हमने ग्लिटर लगाना है। अब हमने कॉपर कलर का ग्लिटर ही इनकी आंखों के ऊपर अप्लाई किया है और लाइट लगाना है, बहुत शार्प नहीं लगाना। जिन लड़कियों के पास कोई स्किल है, कोई हेयर स्टाइलिश है, डाई का जिनको काम अच्छा आता है या मेकअप अच्छा आता है, या जिन लड़कियों के पास एक स्किल और दूसरी स्किल में अबूर हासिल करना चाहती हैं, तो वो भी हमसे रابطہ करें। इंशाल्लाह हम उनको भी सिखाने की कोशिश करेंगे और डिस्काउंट पे। और बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप होम सर्विस या ऑटो स्टेशन सर्विस दे सकते हैं, तो सॉरी, हम ऑटो स्टेशन या होम सर्विस बिल्कुल नहीं देते। जिन लोगों ने बुकिंग करवानी है वो यहाँ पे करवाएं, और हम यहाँ पर ही, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टाफ है, आपका फ़ौरन काम कर दीजिएगा, इसका कोई मसला नहीं। और किसी ने इमरजेंसी में ब्राइडल या पार्टी मेकअप्स करवाने हैं तो उसका भी यहाँ पे इंतज़ाम है, इंशाल्लाह वो भी हम कर देंगे। अब हमने लाइनर लगाए हैं, कर्व लाइनर लगाने के बाद हम आईलैशेस फिक्स करेंगे। ये हमने ऑफ वाइट कलर का जो है हाइलाइट्स इधर लगा दिए हैं। आप वो भी किसी भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन बर्ड की मदद से कर सकते हैं, ब्रश की मदद से कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को फिजिबल है आप उस तरीके से कर लीजिए। अब ये देखिए, दोबारा से हम आईब्रो को फाइन कर रहे हैं कि कहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगी है तो वो रिमूव कर ली जाए। अब ये देखें, किसी भी अच्छे कलर के हाइलाइटर को आप यहाँ चीक्स पर यूज़ कर सकते हैं। नोज़ पर भी लगाया, चिन पे और चीक्स पर भी हम लगाते हैं। अब जो है आईलैशेस के बाद हम लोग लाइनर लगा रहे हैं, और ये इनका फाइनली लुक है, ये देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।